आज हम एक बहुत ही सेंसिटिव मामले के बारे में बात करेंगे, एयरपोर्ट जॉब्स वेरिफिकेशन। एयरपोर्ट जैसा कि आपको पता है कि एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है, बहुत सिक्योरिटी होती है एयरपोर्ट पे, तो जो एम्प्लॉयज वहां पर काम करते हैं उनकी वेरिफिकेशन को अच्छे तरीके से करना एयरपोर्ट विभाग का काम होता है। सिक्योरिटी जांच एजेंसियों का एक मेन काम होता है एयरपोर्ट में, कोई भी संदिग्ध बंदा नौकरी ना पकड़ पाए। तो एयरपोर्ट पे अगर आप जॉब लगते हैं तो आपकी वेरिफिकेशन काफी टफ रहती है। पूरा प्रोसेस क्या रहता है मैं आपको आज अपने वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा, बने रहिए हमारे साथ में। दोस्तों, नौकरी लगने वाले एम्प्लॉय के एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसकी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, कि उसका करेक्टर कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसके ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा है, रहने वाला कहाँ का है। पुलिस के द्वारा भी उसको वेरीफाई किया जाता है। कैसे वेरीफाई किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि आपने एयरपोर्ट के किसी भी विभाग में अपना इंटरव्यू दिया और आपका जॉब सिलेक्शन हो गया है, तो जो आपकी वेरिफिकेशन होगी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट से कहीं ज्यादा टफ रहता है आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन यानी कि पुलिस द्वारा चेक किया जाता है कि आप जहां पर रहते हैं आपके ऊपर कोई लीगल केस तो नहीं है, आपका करेक्टर कैसा है, पूरा चेक किया जाता है, आपके बैकग्राउंड को पूरा खंगाला जाता है, आपके कॉलेज से लेके आपके स्कूल से लेके पूरा एक आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन किया जाता है। जब कंफर्म हो जाता है कि आपकी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन ठीक है तभी आपको जॉब पर रखा जाता है। इसके अलावा जो आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो जिस कंपनी में आप लगते हैं वो वेरीफाई करवाना उनका काम है। बेसिकली वो मैक्सिमम थर्ड पार्टी का यूज करते हैं। अगर आप मान लीजिए कि एयरपोर्ट के किसी रेस्टोरेंट में लगे हैं या कहीं और किसी विभाग में लगे हैं, आप डायरेक्टली गवर्नमेंट जॉब में नहीं लगे हैं, तो आपको थर्ड पार्टी कंपनी के द्वारा वेरीफाई किया जाता है। अगर आप डायरेक्टली एयरपोर्ट में किसी गवर्नमेंट जॉब में लगे हैं, डायरेक्टली किसी गवर्नमेंट विभाग में अगर लगे हैं, तो वो थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन नहीं करेगा, फिर वो इस केस में डायरेक्टली आपकी वेरिफिकेशन करेगा। डायरेक्ट आपकी वेरिफिकेशन आपके ऑल एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स के अंदर भेजे जाएंगे। 10th में 10th की वेरिफिकेशन होगी, 12th में 12th की वेरिफिकेशन होगी और ग्रेजुएशन में ग्रेजुएशन की वेरिफिकेशन होगी। तो स्टूडेंट्स, ये होता है एयरपोर्ट की जॉब वैकेंसीज का वेरिफिकेशन प्रोसेस। आशा करता हूं कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।